धर्मशाला और पच्छाद दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा गदगद। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की दी नसीहत। दिवाली पर शिमला वासियों को एचआरटीसी ने दिया तोहफा, शहर की सड़कों पर दौड़ी 21 सीटर 20 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश भर में आज धनतेरस की धूम, बाजारों में बड़ी रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी। बायोमेट्रिक मशीनों में लगेगी प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की हाजिरी, शिक्षा निदेशालय ने शुरू की कवायद। दिवाली के चलते प्रदेश के 18.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त मिलेगा चीनी का कोटा। इस बार 500 की बजाय 600 ग्राम मिलेगी चीनी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 247 खाली पदों पर 17 नवंबर को होंगे उपचुनाव, संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू। सिरमौर प्रशासन ने जिले को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर पोली ब्रिक्स बनाने का कार्य किया शुरू। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक के रैपर को प्लास्टिक की बेकार बोतलों में भरने के दिए आदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला, देहरा व शाहपुर कैंपस में 15 पदों पर निर्विरोध जीत की दर्ज। 5 सीटों पर हुए चुनाव में भी लहराया जीत का परचम। हिमाचल सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा, विभाग के 800 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के तिब्बतियन स्कूल के वार्षिक पारितोषिक समारोह में की शिरकत, छात्रों से कड़ी मेहनत कर अपना लक्ष्य हासिल करने का किया आह्वान।